हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हनीवेल ट्रू नो यू 2000 2.1 साउंड बार का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट, बेस टेस्ट एंड HDMI ARC टेस्ट। सो आज की वीडियो में दोस्तों आपको इस साउंड बार के साउंड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार ओवरऑल ये साउंड बार कितना ज़बरदस्त है ऑडियो क्वालिटी में। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 7500 रुपीज़। अगर आपको ये साउंड बार को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप PC मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं PC मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। दोस्तों इस साउंड बार पर टोटल पावर आउटपुट हमें 120 वाट्स की मिलती है, वायर्ड सबवूफर मिल जाता है। इसका सबवूफर दोस्तों 6.5 इंचेस का है। साउंड बार पर 4 ड्राइवर्स मिल जाते हैं 2-2 इंच के। एंड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0, USB, AUX, HDMI, ARC एंड ऑप्टिकल ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो सबसे पहले दोस्तों इसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार म्यूजिक लिसनर्स के लिए ये मॉडल कितना बढ़िया है। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज कर लीजिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल का डिटेल पे हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों साउंड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तो दोस्तों यार हमने इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आपको ऑडियो क्वालिटी इस मॉडल की कैसी लगी है। दोस्तों इसका हमने वैसे पूरा बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड जो आपने ईयरफोन या हेडफोन में आउटपुट सुना होगा ना, इसका एक्चुअल आउटपुट होगा वो, क्योंकि बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लियरिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, मतलब आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये साउंड बार बना है। एडवांटेज क्या है ना, साउंड बार पर हमें 4 ड्राइवर्स मिल जाते हैं 2-2 इंच के। एंड म्यूजिक सुनने में दोस्तों जो मिड्स हैं हाईज हैं वो हमें काफ़ी अच्छे फील हो जाते हैं इस पे, मतलब आपको मजा आएगा म्यूजिक सुनने में। आप अगर मैक्स भी खोल देंगे ना वॉल्यूम, डिस्टॉर्शन आपको फील नहीं होगा, ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी है। एंड ऐसा भी नहीं हो रहा है दोस्तों कानों में चुभ रही है, जबकि हमने ट्रेबल पूरे मैक्स खोले हुए थे इसमें, उसके बाद भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यार कानों में चुभ रही है आवाज़, वॉल्यूम को थोड़ा लो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्लियरिटी वाइज दोस्तों ये साउंड बार बेस्ट है, मतलब वोकल्स क्वालिटी चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, हर एक चीज़ हमें गाने पे प्रॉपर सुनाई दे रही है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर है ना, तो हनीवेल का ये वाला जो साउंड बार है बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि हम तो फर्स्ट बार टेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ऑडियो क्वालिटी सीरियसली में काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाउडनेस की, कि यार ये साउंड बार लाउड कितना है। वैसे दोस्तों इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो 120 वाट का है, उस हिसाब से दोस्तों मुझे ये लाउड भी काफ़ी ज़्यादा लगा है, मतलब रूम पे तो सफिशिएंट लाउडनेस हमें मिल जाती है। यहाँ तक भी मैं ये चीज़ बोलूँगा ना आपसे, आप अपनी पार्टी वाड़ी इन्जॉय कर सकते हैं इससे, लाउडनेस में भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। सो म्यूजिक लिसनर के लिए बढ़िया ऑप्शन है, ब्लूटूथ के थ्रू बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी बेस क्वालिटी टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार बेस लवर्स के लिए ये मॉडल बढ़िया है या नहीं है। इसके सबवूफर को दोस्तों ग्राउंड पे रखते हैं एंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। बाकी आपको पहले बेस वाले ट्रैक सुना देते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आप इसका बेस टेस्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यार मैंने इसका डिटेल पे बेस भी टेस्ट कर लिया है, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आप लोगों को बेस क्वालिटी कैसी लगी है इसकी। दोस्तों मैंने जितना एक्सपीरियंस करा ना, बेस इसका तगड़ा हमें मिल जाता है। अगर आप इस साउंड बार को परचेस करेंगे तो इसके बेस को यानी कि सबवूफर को कॉम्पैक्ट एरिया में ही रखिएगा, तभी आपको बेस में मजा आएगा। अगर ऐसे टेबल में रखेंगे तो उतना तगड़ा फील नहीं होगा। ये जैसे ही हमने इसे ग्राउंड पे रखा ना, तो 50% जो बेस है ना वो इनहेंस हो गया था। सो बेस क्वालिटी अच्छी है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड जितना मैंने एक्सपीरियंस करा ना दोस्तों, इस पर लोअर बेस हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, इस पर अपर बेस ज्यादा है, यानी कि पंच बेस हमें ज्यादा फील होता है। अगर आप लोग लोअर बेस के शौकीन है तब आपको थोड़ा सा कमी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि यार बहुत कमी है, लोअर में भी फील अच्छा करा रहा है, बट जो ज्यादा बेटर है वो अपर बेस है इसका। अपर बेस में तो तगड़ा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब जो पंच मिल रहा है ना बेस में, वो दरवाजे खिड़की सब कुछ शेक कर दे रहा है। सो बेस क्वालिटी अच्छी है इसकी, बाकी मैंने बता ही दिया जो डिफरेंस है। एंड दोस्तों हम बेस एंड ट्रेबल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो हमने इसका बेस जो था पूरा मैक्स खुला हुआ था, साउंड बार की वॉल्यूम भी दोस्तों पूरी मैक्स खुली हुई थी, साथ में दोस्तों हमने अपने स्मार्टफोन से वॉल्यूम भी पूरी मैक्स खुली हुई थी एंड बेस वाले ट्रैक्स प्ले करे। सो बेस फटता भी नहीं है इसका, क्रैक नहीं होता है मतलब बेस। अब दोस्तों अपनी फाइनल टेस्टिंग कर देते हैं एंड अपने साउंड बार को टीवी वाले सेटअप पे लेके चलते हैं एंड HDMI ARC के थ्रू थोड़े मूवीज के ट्रेलर प्ले करके देखते हैं यार थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो इसे टीवी वाले सेटअप पे लेके चलते हैं। जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। तो दोस्तों यार हमने टीवी के साथ भी कनेक्ट करके साउंड बार को पूरा टेस्ट आपको करवा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार टीवी वॉचिंग पे आप लोगों को इस साउंड बार का एक्सपीरियंस कैसा लगा है। दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस साउंड बार को परचेस करते ना, इसे 3D मोड में रखिएगा टीवी वॉचिंग पे, एंड दोस्तों आपको वर्चुअली मतलब सराउंड साउंड का फील हो जाएगा। इस साउंड बार पे हमने ये चीज़ फील करी है, मतलब ऐसे जो रियर स्पीकर से साउंड इफेक्ट आता है ना, उस तरीके का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से आवाज़ यहाँ आ रही है, मतलब ये रियल एक्सपीरियंस है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस साउंड बार को परचेस करेंगे, एक तो इसे इक्वलाइजर के सेकंड मोड में रखिएगा, साथ में इसे 3D मोड में रखिएगा, उसके बाद मूवी देखिएगा, मतलब आपको कमी नहीं लगेगी कि यार इस पर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं है। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, क्योंकि 3D मोड भी कुछ उसी तरीके से काम करता है, साउंड को क्या है कि वो 3D में कन्वर्ट कर देता है एंड एक्चुअल में परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहा था। सो टीवी वॉचिंग पे दोस्तों ये साउंड बार का ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मुझे बढ़िया लगा है। एक्शन सीन्स में जो साउंड इफेक्ट होता है, जैसे गोली की आवाज़, कार की आवाज़, वो चीज़ भी आप पूरी मतलब फील कर पाएंगे। सो दोस्तों यार ये साउंड बार मुझे 7,500 रेंज में ना बेस्ट ही लगा है, मतलब सारी चीजें हमें इस पर बढ़िया मिल जाती है। अगर मैं कमी की बात करूं तो दोस्तों एक ही कमी है जो मेरे अकॉर्डिंग है, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या पता ना हो, वो वायरलेस सबवूफर। अगर इसका वायरलेस सबवूफर हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि मेरे को क्या है कि दोस्तों वायरलेस सबवूफर ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों 7,500 में आप इस साउंड बार को परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।